जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स सर्टिफिकेट सीबीटी एग्जामिनेशन 2022-23 की लिखित परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है और इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। तो आप इस सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए जो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हुआ 14 अगस्त 2024 से लेकर के 30 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है, आपका जो फोटोग्राफ है उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपके जो सिग्नेचर है वो किस प्रकार आप सिग्नेचर करके आपको इसमें अपलोड करनी है, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, आपका आईडी प्रूफ क्या होने चाहिए, इन सभी से जुड़ी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार सीबीटी एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुई है यह वर्ष 2022-23 के लिए चालू हुई है, यानी जो 2022-23 में स्टेट लेवल टेस्टिंग का क्वालिफाई करके नेशनल लेवल प्रेसिडेंट अवार्ड के सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आप सभी 2023-24 के छात्र छात्राएं स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, आपकी जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उससे जुड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस सीबीटी एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास आपका एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना कंपलसरी है। आपके स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स के यूनिफॉर्म में आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और इसका जो साइज है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए, यानी 50 KB से नहीं कम का होना चाहिए और 100 KB से नहीं ज्यादा का होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ है इसका जो फॉर्मेट होगा वो आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, यानी JPEG फॉर्मेट में आपको अपने पोर्टल पे से अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद आपकी हस्ताक्षर की बात करें, आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपका हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन जो आप सिग्नेचर करेंगे वो आप ब्लैक पेन से करेंगे और व्हाइट पेपर पे आपको करना है, इनसे आपको अपलोड करना है। इसकी जो साइज होगी वो 50 KB से ज्यादा और 100 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आपसे एक आईडी प्रूफ मांगा जाता है। तो आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, या तो आपका स्कूल कॉलेज का जो कोई आइडेंटिटी कार्ड है या आपका जो स्काउट ऑर्गेनाइजेशन का कोई आइडेंटिटी कार्ड है, तो आप उस आईडी कार्ड को उसमें आईडी कार्ड के जो डॉक्यूमेंट अपलोड मांगे जाते हैं उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अब इस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस रखी गई है वो 2000 रुपए की रखी गई है, यानी सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको 2000 रुपए का फीस रखा गया है। तो यह 2000 का फीस काफी ज्यादा लग रहा है, हमें भी यह फीस काफी ज्यादा लग रही है कि सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए 2000 रुपए का जो फीस रखा गया है, साथ ही साथ आपको जीएसटी भी पे करनी है, तो यह काफी ज्यादा ही एक स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स के लिए लग रही है। लेकिन अगर आप सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेमेंट करना है और यह नॉन रिफंडेबल पेमेंट है, यानी ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको कुछ पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 2000 रुपए जो है आपका ये सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए लिए जा रहे हैं। तो आप सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स 14 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर करके जो स्काउट जो आपका राष्ट्रपति पुरस्कार की प्रिपरेशन है उसे आप अच्छी तरीके से करने के लिए लग जाएं। तो आप सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स सीबीटी एग्जाम्स के लिए आप अपना प्रिपरेशन को तेजी कर दें, क्योंकि जो आपका संभावित तिथि है वो 28 सितंबर 2024 रखी गई आपका सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए और इसका जो एडमिट कार्ड है हुआ 16 सितंबर 2024 तक आपका जारी किया जा सकता है। और यह जो तिथि है आपकी ये डेफिनेटली नहीं है कि आपका 28 सितंबर को हो ही जाएगा एग्जाम, ये अभी पूर्ण 100% निर्धारित तिथि नहीं है, इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। लेकिन ये तिथि को आपको यह मान के चलना है कि जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है वो 28 सितंबर 2024 को होने वाली है, उसी आधार पर आपको अपना राष्ट्रपति पुरस्कार सीबीटी एग्जाम्स के लिए आपका प्रिपरेशन करनी है। तो आप सभी नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए सीबीटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि चैनल पर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार सीबीटी एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन आंसर है, यानी जो प्रीवियस ईयर 2021 में जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उस क्वेश्चन आंसर को देख करके अपनी तैयारी को
अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो आपका सीबीटी एग्जाम का जो सिलेबस है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होने वाली है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो हमें उम्मीद है आपको जानकारी काफी महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।